दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंगर और स्वागत है आपका सो सिंपल डॉक्यूमेंट्री पर। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि नेपाली कंट्री का टाइम अलग और इंडिया का टाइम अलग है तो आप जल्दी से बिलीव कर लोगे, मगर मैं ये कहूं कि असम, अरुणाचल, मणिपुर का टाइम इंडिया के बाकी हिस्सों से अलग चलता है तो शायद आपको इसे समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो आज के इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि क्या भारत में दो टाइम जोन बना दिए जाने चाहिए, क्या दिल्ली की घड़ी का टाइम अलग और असम की घड़ी का टाइम अलग करना सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में लंबे समय से दो टाइम जोन बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है, क्योंकि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है और इतना बड़ा देश होने के बावजूद भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन होने से कई पूर्वोत्तर राज्यों में परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आइए हम इस टॉपिक को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में हर एक देश के अलग अलग मानक समय होते हैं जो अक्षांश और देशांतर के अंतर से डिसाइड किए जाते हैं, और हमारे इंडिया ने भी एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन को मान्यता दी है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी जगह पर है। इस प्रकार दोस्तों कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक एक ही टाइम जोन मान्य है, और यह व्यवस्था भारत में 1906 से बनाई गई थी। लेकिन 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 दोस्तों इस एक टाइम जोन ने इंडिया के दूसरे हिस्सों में परेशानी पैदा कर दी है, क्योंकि फ्रेंड्स देश के कई हिस्सों में सूरज सबसे पहले निकल आता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों देश के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह लगभग 4 बजे ही हो जाता है, लेकिन समस्या ये है कि इतनी जल्दी दिन की शुरुआत होने पर भी यहाँ के लोगों को ऑफिस, स्कूल या अपने अपने काम पर सुबह 8 से 10 के बीच ही जाना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि दिल्ली में कोई व्यक्ति तरोताज़ा होकर सुबह 10 बजे ऑफिस आता है तो उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यक्ति दिन का काफ़ी समय गुजर जाने के बाद ऑफिस पहुँच पाता है। इस प्रकार पूर्वी राज्यों में व्यक्ति काम से लौटते हुए नहीं बल्कि काम पर पहुँचते हुए ही थक जाता है। दोस्तों इन सब की वजह यह है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात के बीच 2 घंटे के समय का अंतर है। गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज निकलता और ढलता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले। और दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में इतना अधिक अंतर होने की वजह से साल भर बिलियंस यूनिट बिजली और मैन पावर का लॉस भी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी इस टाइम जोन की ये है कि इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल, जिनका खुलने और बंद होने का टाइम सभी जगह एक समान है, जिससे पूर्वोत्तर के राज्यों के स्कूलों के बच्चे जल्दी थक जाते हैं, जिससे उनकी नींद भी कम पूरी हो पाती है और उनकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। और पूर्वी राज्यों में शाम को 4 बजे होते ही सूरज ढलने लगता है, जिससे घरों की बिजली से लेकर हर एक उपकरण में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग भारत में दो टाइम जोन बनाने की मांग करते आ रहे हैं। 2017 में असम के CM तरुण गोगोई ने इसके लिए एक बहुत बड़े कैंपेन की भी शुरुआत की थी, मगर भारत सरकार इसे हमेशा टालती रही है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि IST का निर्धारण करते समय मध्यान्ह रेखा इसलिए चुनी गई थी क्योंकि वो सेंटर में थी, और भारत इतना बड़ा देश है ही नहीं कि उसे अलग अलग टाइम जोन में बांटा जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात है जो समझने वाली है। भारत सरकार ने पूर्वी राज्यों को अपने यहाँ उद्योग धंधों के कामकाज को मैनेज करने के लिए राइट्स दे रखे हैं कि वे प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत अपने स्थानीय समय को तय कर सकते हैं, और इसी क्रम में असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के लिए एक अलग टाइम जोन भी बनाया गया है, जिससे ये लोग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक काम करते हैं, लेकिन टाइम काउंटिंग भारतीय मानक से 1 घंटा आगे होती है। इस प्रकार दोस्तों भारत में तो फिलहाल एक ही टाइम जोन है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनमें अलग अलग टाइम जोन है, जिनमें रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस प्रमुख हैं। और फ्रांस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके 12 टाइम जोन है, मतलब हर जगह अलग अलग घड़ियों का समय। इसकी वजह यह है कि फ्रांस कंट्री कई द्वीपों में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में हर कोनों में उसका कोई ना कोई द्वीप जरूर है। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर दो टाइम जोन इंडिया में बनाए जाते हैं तो क्या क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों एक्सपर्ट दो टाइम जोन को लेकर सलाह देते हैं कि इससे इंडिया में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। पहली समस्या है ट्रेनों के टाइम में गड़बड़ी। दोस्तों दो टाइम जोन होने से ट्रेनों के टाइम बदल सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी समस्या ये है कि अदर स्टेट से लोग जब नॉर्थ ईस्ट की ओर जाया करेंगे तो उन्हें अपनी घड़ियों का टाइम मैन्युअली बदलना पड़ेगा, और यदि मानवीय भूल से वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी बसेस और प्लेन के रिजर्वेशन या ट्रेवलिंग टूर भी इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल इंडियन गवर्नमेंट इस मांग को खारिज करती ही रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।